कहानी में आपके आपके नाम पर भरसब कमनमैन पूरी में जो थाना है भरसब कमनमैन ग्रुप वो उन लोगों ने एफआईआर दिया है आपके नाम पर। एक्चुअली ये तो मैं मतलब इतना सोच के नहीं किया था जितना दिखाया जा रहा है। उस जो न्यूज चैनल मुझे फोन किया था उन्होंने बोला था कि वो फुटेज खरीदना चाहते, तो मैं बोला था कि मैं और रैंडम बहुत सारा इंक्वायरीज आ रहा था कि ये फुटेज लो फुटेज लो, तो रैंडमली मैंने बोल दिया था ताकि वो खरीद ना पाए और फुटेज ऐसे ही रहे, मतलब लोगों को दिखे कैसे मतलब। अनिमेश आप तो यूट्यूबर है ब्लॉगर है, आपको इतना भी आइडिया नहीं है कि नो फ्लाइंग जोन है शिव मंदिर का, हाई सिक्योरिटी जोन है, वहाँ ड्रोन नहीं उड़ा सकते। वहाँ और भी वीडियो देखा है इसलिए मैं सोचा, और मुझे अलर्ट भी नहीं दिया है रिमोट में कि नो फ्लाई जोन है, तो मैंने सोचा बहुत सारा वीडियो अभी अपलोड हो रहा है तो इसे सोच के कि रूल शायद चेंज हुआ है। आप जिस दिन ड्रोन उड़ाए थे वहाँ आपको पुलिस या कोई भी नहीं रोका उस दिन कि क्यों आप यहाँ ड्रोन उड़ा रहे हैं, क्यों फुटेज ले रहे हैं? नहीं, उधर पे कोई दिखा नहीं, मतलब वैसा मतलब साइड में थोड़ा सा गली में मैं उड़ा रहा था एक बिल्डिंग के साइड से। अच्छा अनिमेश आपने आपके ब्लॉग में ये भी लिखा है कि रात का भी विजुअल है शिव मंदिर का, कोई चाहे तो खरीद सकता है। नहीं वही है मैंने मतलब बैक में जो आ रहा था तभी वो नाइट मोड का है और उस दौरान मेरा ड्रोन क्रैश भी हुआ था, तो अगर उस वीडियो का भी आप चाहते तो मैं वो क्रैश वाला वीडियो भी आपको भेज सकता हूँ। मेरा ड्रोन क्रैश हुआ था उसमें, 2-2.5 घंटे बाद ढूंढ ढूंढ के मुझे मिला था। देखिए शिव मंदिर वो हाई सिक्योरिटी जोन है, मतलब मैं सबको मतलब हाथ जोड़ के मतलब माफी चाहता हूँ। मैं उड़ीसा का जो भी मतलब 4 करोड़ जनता है उससे भी माफी मांगता हूँ और पुलिस कमिश्नर जो है सबसे मैं माफी मांगता हूँ। मतलब ये अनजाने में हुआ, इतना मतलब वो सोच रहा था कि अगर ये सभी उड़ा रहे तो शायद ये नो फ्लाई जोन ठीक हो गया, ताकि मेरे नोटिफिकेशन भी नहीं आया, तो मैंने इतना नहीं समझा था कि अगर इतना हो जाएगा, तो इसीलिए मैं हाथ जोड़ करके मतलब सबसे माफी मांगता हूँ, जगन्नाथ महाप्रभु के भी माफी मांगता हूँ कि मेरे से गलती हुआ है। अभी मतलब अभी मुझे लग रहा है कि मैं सब सोचा था कि नो फ्लाई जोन नहीं है हट गया, तो अभी सभी बता रहे कि अभी भी नो फ्लाई जोन है, तो इसलिए मैं माफी मांगता हूँ सबसे। अच्छा अनिमेश आप ये फुटेज लेकर क्या बिजनेस करना चाहते थे, किसको खरीद मैंने बिकना चाहते थे, क्या करना नहीं, चाहते नहीं, थे? नहीं नहीं मैं ये इस हिसाब से रखा था कि अगर कोई किसी भी दिन अगर जगन्नाथ महाप्रभु के को लेकर अगर कोई भी फिल्म बनेगा या बड़ा वाला कोई प्रोजेक्ट बनेगा तो ही वो सेल करेंगे, ऐसा कुछ सोचा था, या फिर नेगोशिएशन करके मेरे से कोलैब करके ये सब करूंगा। मतलब इस हिसाब से नहीं किया कि रैंडमली इसको उसको दे दूं, मतलब इसीलिए मैं रैंडमली वो वाला मतलब जो भी ब्लॉगर मुझसे मांगता था रैंडमली ताकि वो खरीद ना पाए। अब ये फुटेज को आपने हटाया है आपके यूट्यूब से या नहीं? यूट्यूब से हटा दिया हमने, कल ही हटा दिया, मतलब जब ये न्यूज हमने देखा ये लिंक पे आया था उसके बाद जब जो भी सोशल साइट पे मेरा ये फुटेज था यहाँ से भी हटा दिया मैंने, हार्ड डिस्क में जो भी था वो सब डिलीट कर दिया। अच्छा अनिमेश कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकता है, आपके ऊपर केस हो सकता है, तो आप क्या अभी पूरी आके ये सट आउट करना चाहेंगे या फिर क्या करेंगे? मैं तो चाहता हूँ, मतलब मेरे से अगर ये गलती तो हुआ है तो मैं तो सॉरी मांग रहा हूँ, मतलब ये इतना जानबूझ के मैंने नहीं किया, मतलब जितना बताया जा रहा है कि मैं सारा एंगल्स का दिखा रहा हूँ, कोई सिक्योरिटी मतलब कुछ बॉम्ब अटैक दिखा रहा है उसमें, मतलब ये मैंने सोच समझ के नहीं किया, मतलब ये मैंने सोचा और भी ब्लॉगर लोग अपलोड किया तो शायद ये नो फ्लाई जोन हट गया, इस हिसाब से मैंने उड़ाया, तो इसके ऊपर इतना मतलब एक्शन लिया जा रहा है, तो मतलब मेरे थोड़ा सा अभी मतलब शाम से अभी तक मैं डिप्रेशन में वो मतलब ये ही चल रहा है, मतलब काम पे भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। ओके रात का विजुअल है आपके पास? नहीं रात का विजुअल नहीं, वो एक ही था, वो जस्ट लोगों को चैनल में जस्ट इंट्रो मतलब चैनल को इंट्रोड्यूस करने के लिए वो डाला गया था। हम जगन्नाथ जी को मानते हैं। नहीं नहीं मैं भी भगवान है वो, मैं भी ब्राह्मण घर का मतलब इंसान हूँ, तो मैं भी मानता हूँ जगन्नाथ महाप्रभु को, तो जगन्नाथ मत पूरी हम लोग का जाने का मतलब ही है जगन्नाथ महाप्रभु, तो अब मतलब इतना सोचा नहीं था मैं, मतलब मैं सबसे सबसे क्षमा चाहता हूँ, मतलब अनजाने में जो हुआ है।